Now, on page number 17 in your textbook, there is one topic, word in a use. So today we learn about prefix. What is the meaning of prefix? Let we understand. Some of the examples here. The Kyoto frog said, I like to eat dragonflies. Here you see the word like is the underlined or a color. The second one, like जो है यहाँ पर एक अलग कलर में दिया गया है. तो Kyoto frog said, Kyoto frog कह रहा है I like to eat dragonflies. मैं मुझे dragonflies पसंद है. तो Osaka frog replied, I dislike eating dragonflies, their wings stick in my throat. तो Osaka frog क्या कह रहा है, मुझे ड्रैगन फ्लाई बिल्कुल पसंद नहीं है. डिसलाइक मीन्स पसंद ना होना. इट्स ऑपोजिट ऑफ डिसलाइक. सॉरी लाइक. लाइक इज वन ऑफ द नहीं पसंद, पसंद है ऐसा. और डिसलाइक मीन्स नहीं पसंद है. तो Osaka frog कह रहा है कि मुझे ड्रैगन फ्लाइज बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे थ्रॉट गले में अटक जाती है उसकी विंग्स. द फ्रॉग From the pool said, I unlike the Kyoto frog, the Osaka frog dislike dragonflies. तो एक और पुल का, पुल में रह रहा है फ्रॉग कह रहा है I unlike, पसंद नहीं है, the Kyoto frog, the Osaka frog dislike dragonflies. So in these examples, we find two new words made by adding letters to the word like. देखिए पहला word जो है वो like है. उसमें हम दो वर्ड अगर डिस ऐड कर दे, आगे ऐड कर दे तो बन जाता है डिसलाइक. और अन यू एन अगर कर ले तो बन जाता है अनलाइक. और डिसलाइक का मीनिंग होता है डू नॉट लाइक, यानी पसंद ना हो ऐसा. और अनलाइक का मतलब होता है नॉट सिमिलर टू, यानी उनके जैसा सिमिलर ना होना या तो अलग होना. So, similar to prefixes can be used with the word able. जैसे ही एक और एक यहाँ पर example है, वो है able. तो उसके आगे अगर हम un लगा दे, यू एन un लगा दे तो हो जाएगा unable, means not able to, यानी ना करने लायक. For example, Nita will be unable to attend the birthday party. नीता जो है वो पार्टी में जाने के लिए सक्षम नहीं थी, या तो फिर वो नहीं जा पा रही थी. डिसेबल, अगर डिस लगा दे उसके आगे dis डिस तो हो जाएगा डिसेबल. इट मीन्स टू मेक समथिंग स्टॉप वर्किंग, यानी कि डिसेबल मीन्स कुछ काम करने का बंद हो जाना. जैसे कि फॉर द एग्जांपल, अमर डिसेबल द अलार्म क्लॉक. अमर ने जो है वो अलार्म क्लॉक बंद कर दी. So, here are the definition, here is the definition of a prefix, a letter or a group of letters placed before word to change its meaning is called a prefix. इसका मतलब होता है कि कोई एक letter के आगे un, dish या ऐसे कोई prefix लगा दिए जाए तो उस word का meaning जो है वो चेंज हो जाता है. प्रीफिक्स का मीनिंग होता है आगे कुछ ऐड करना. सो कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके बुक में भी है और टेबल भी है. तो कौन से प्रीफिक्सेस है, जस्ट वी डिस्कस्ड. वन इज़ द मिड. फर्स्ट वन इज़ द मिड, मीनिंग होता है उसका मिडल. मिडल मीन्स बीच में. उसके एग्जांपल्स दिए गए आपको, जैसे कि नाइट के आगे हम लगा देंगे मिड तो हो जाएगा मिड नाइट. डे के आगे अगर हम मिड लगा देंगे तो हो जाएगा मिड डे, यानी कि मध्याह्न. मिड नाइट मीन्स रात के बीच का समय, बीच रात. सेकंड वन इज़ अ ट्राई, TRI, इसका मतलब होता है थ्री, यानी कि तीन. ट्राई कलर जो हमारा तिरंग है वो. ट्राइंगल, तीन खूनों वाला, यानी कि तीन जिसके कॉर्नर्स है वो ट्राइंगल. एंगल के आगे हमने ट्राई लगा दिया तो हो जाता है
तीन खूने वाला त्रिकोण। सेमी, इट्स मीनिंग इज हाफ, ये एक प्रीफिक्स है सेमी, उसका मीनिंग होता है हाफ, जैसे कि सेमी सर्कल, सर्कल के आगे हमने अगर सेमी लगा दिया, इट्स सेमी सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल। सेमी फाइनल मीन्स फाइनल से पहले खेले जाने वाला मैच या तो फिर कोई कंपटीशन। देन आफ्टर मिस, MIS, इट मीन्स बैड और रॉन्ग, सो मिस बिहेव, बिहेव के आगे अगर हमने मिस लगा दिया तो पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा, हो जाएगा मिस बिहेव, कोई रॉन्ग बिहेवियर करना, कोई बैड बिहेवियर करना। मिस अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के आगे मिस लगा दिया तो हो गया मिस अंडरस्टैंड, मिस अंडरस्टैंड का मीनिंग आपको पता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग मीन्स कोई गलत फहमी। आई एम, नेक्स्ट वन इज आई एम इम, इसको पढ़ा जाएगा इम, इसका मतलब होता है नॉट, जैसे कि इम्पॉसिबल, पॉसिबल के आगे इम लगा दिया तो हो गया इम्पॉसिबल, एंड इट्स मीनिंग इज जो पॉसिबल नहीं है वो। इम्पेशेंट दूसरा एग्जांपल है आपके लिए। देन आफ्टर को, सो को मीन्स विथ, किसी के साथ, को यानी कि किसी के साथ, जैसे कि को पायलट, विमान में दो पायलट होते हैं, एक होता है मैन पायलट एंड उसके साथ होता है, मीन्स उसके विथ साथ में होता है, वो होता है उसका को पायलट। को वर्कर, जैसे कि कोई वर्कर के साथ दूसरा एक वर्कर काम कर रहा है तो होता है को वर्कर। तो इस तरीके के जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे नया एक वर्ड बनाने में। प्रीफिक्सेस आपको याद रखने हैं, मिड मीन्स मिडल, ट्राई मीन्स थ्री, सेमी मीन्स हाफ, मिस मीन्स बैड और रॉन्ग, इम मीन्स नॉट, को मीन्स विथ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं और आपको याद रखने हैं। तो हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं जो पेज नंबर 18 पर है। ऑन पेज नंबर 18, सी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। कुछ प्रीफिक्स आपको यहाँ पर डालने हैं और फिर इन वर्ड्स को जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनको इन ब्लैंक में भरना है। सो फर्स्ट वन, व्हाई डू यू लुक सो, यहाँ पर हैप्पी दिया गया है सो हम लिखेंगे अनहैप्पी चाइल्ड। आर यू लॉस्ट, इसका मतलब हो जाएगा तुम क्यों नाखुश हो, अनहैप्पी मीन्स नाखुश होना। आर यू लॉस्ट, कुछ तुम्हारा कुछ खो गया है, सो हियर वी पुट डाउन प्रीफिक्स अन, यू एन। सेकंड वन, बी पोलाइट रोमित, डू नॉट मिसबिहेव, डू नॉट पोलाइट, सॉरी बी पोलाइट रोमित, डू नॉट मिसबिहेव, तुम्हें मिसबिहेव करना नहीं है। आगे हमने पढ़ा था मिस का मतलब होता है बैड और रॉन्ग, यानी कि आपको बैड बिहेव करना नहीं है, खराब बिहेव किसी के साथ करना नहीं है। द थर्ड वन, द टीम दैट विन द सेमी फाइनल रिच इज द फाइनल, फर्स्ट वी हैव टू प्ले द सेमी फाइनल बिफोर द फाइनल मैच, सो हियर सेमी इज द प्रीफिक्स वी हैव टू पुट इन फ्रंट ऑफ फाइनल। फोर्थ वन, द इम्पेशेंट ड्राइव केप्ट हॉन्किंग, इम्पेशेंट मीन्स को मीन्स पेशेंट जो है उसके आगे हमने आई एम इम लगाया है, इम का मतलब होता है नॉट, आगे हमने पढ़ा हुआ है। फिफ्थ वन, कीप वर्किंग हार्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल है यहाँ पर ब्रैकेट में, वी शुड बी पुट डाउन आई एम एंड मेक अ वर्ड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी कि जो पॉसिबल ना हो ऐसा। यहाँ पर कहा गया है कि कीप वर्किंग हार्ड, यू शुड बी वर्क हार्ड, कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ें पॉसिबल है। सिक्स्थ वन, आवर फ्लैग हैज़ थ्री कलर्स सो इट इज़ कॉल्ड, कलर दिया गया है ब्रैकेट में, वी शुड बी पुट डाउन टी आर आई मीन्स थ्री ट्राई कलर, हमारा जो फ्लैग है उसके तीन कलर है, इसके लिए उसे ट्राई कलर कहा जाता है, त्रिरंगा कहा जाता है, सो ट्राई कलर वी शुड बी पुट डाउन प्रीफिक्स हियर टी आर आई, ट्राई मीन्स थ्री। सेवन्थ वन, डोंट डिसओबे योर टीचर्स मैरी obey, so we should be put down here dish, D-I-S, meaning of dis means उनको सबको disobey नहीं करना है, means उनको obey करना है। एट वन, semi load the truck,
हियर वी पुट डाउन प्रीफिक्स सेमी, सेमी लगाया है आगे. देन आफ्टर नाइन्थ वन, फादर्स को वर्कर इज इल, ही इज इन हॉस्पिटल. सो वर्कर इज इन द ब्रैकेट एंड वी शुड बी पुट डाउन को. हियर को मीन्स साथ में होने वाला, विथ को का मतलब होता है विथ, साथ में होने वाला. फादर के को वर्कर को इल है, को वर्कर यानी साथ में काम करने वाले को बीमारी हो गई है, सो ही इज इन हॉस्पिटल. टेंथ वन, सांता क्लॉज विल नॉट डिलीवर हिज गिफ्ट बिफोर मिडनाइट. MID mid means बीच में, मध्य रात्रि में सांता क्लॉज जो है वो गिफ्ट बेचेगा, लेकिन वो मिडनाइट में बेचेगा. सो ऑल ऑफ यू हैव टू पुट डाउन दिस प्रीफिक्सेस एंड राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 18. हैव अ नाइस डे. On page number 19, you see that some of the examples of adjectives of the numbers. Two cranes were talking to each other. They said, there are many turtles in the sea. So you see here, there are two and many. So here two are countable nouns and many means uncountable nouns. So here two underline or a color word are adjective of numbers. Second example, I live in the second ditch next to the field. Here we can count second, and all the others lives in a well, said the Osaka frog. All is also adjective here. It is a number, but we can't count it. Are there any frogs in your ditch? Yes, there are some. Any and some are uncountable nouns. So here the words in color are adjective of number. Some are countable and some are uncountable. Just like they are used with countable nouns, just like cranes, turtles, ditch and frogs. These are countable. जैसे कि हम cranes जो है, turtles है, उसे count कर सकते हैं. But rather than other things, and other nouns are uncountable. They tell us how many of a noun there are or at which position in an order the nouns are. वो positions भी दर्शाते हैं और वो कितने हैं वो भी हम जान सकते हैं. उसे adjectives of number कहा जाता है. So here your exercise is there. Question number E, underline the adjectives of numbers. The first is there. There are some bananas in a basket. Here we underline some bananas. Sorry, some. Underline the some. And all the eggs are in a packet next to it. Here all is also a adjectives of numbers. Second one. Faiz finished the second in the debate competition. Faiz जो है वो सेकंड आया है डिबेट कंपटीशन में. सो सेकंड इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हियर वी अंडरलाइन सेकंड. थर्ड वन, द स्टूडेंट्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस इन द मैथमेटिक्स क्लास. मेनी इज आल्सो अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फोर्थ वन, माय मदर बाउट थ्री पैकेट्स ऑफ अ बिस्किट. आई एट ऑल ऑफ देम. थ्री पैकेट्स, थ्री इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड ऑल इज ऑल्सो अ adjectives of numbers. So we underline three and all. Fifth one, Ravi's grandmother knows four foreign languages. Four is also a adjectives of numbers. Sixth one, Mayank was the last batsman to be an out in the inning. Last is the countable nouns, adjectives of a numbers. It's called adjectives of a number. So we underline here last. So students, you should be write down in your book and underline the. Now you see the next one is adjective of quantity. पहले हमने number के बारे में पढ़ा. Now we learn about the quantity. Some of the examples here are, pour some tea into that cup. Some, here is the quantity adjective. Some means थोड़ा,
ये क्वांटिटी दर्शाता है कि थोड़ा सा चाय जो है वो कप में डालो. ग्रैंडपा डजंट टेक मच शुगर इन हिज टी. मच शुगर मीन्स उसका भी मतलब थोड़ा बहुत शुगर वो डालते नहीं अपने टी में. सो हियर इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटी इंडिकेट द वर्ड मच. ऑल द पेंट ड्राइड इन द सन देयर इजंट एनी लेफ्ट इन द कैन. सो हियर ऑल एंड एनी बोथ आर द इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स. डू यू हैव इनफ मनी टू बाय दैट बुक. इनफ हियर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ क्वांटिटी. द वर्ड्स इन द कलर एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी दे आर यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. यू मस्ट बी रिमेंबर इट. द एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स जस्ट लाइक टी शुगर पेंट मनी वाटर एक्सेट्रा. दे टेल अस हाउ मच देर इज अ ऑफ अ नाउन. सो नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 20. एफ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. सो वी पुट डाउन अ करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटी इन द इन टू द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन देर इजंट ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द जग. हियर वी पुट डाउन मच बिकॉज मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन. सेकेंड वन डोंट पुट एनी बटर ऑन माई टोस्ट. एनी इज अ बटर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल सो वी पुट डाउन हियर एनी. थर्ड वन पोर सम ऑइल इन टू द पान. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन सम एस ओ एम ई सम बिकॉज ऑफ ऑइल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. फोर्थ वन आई डोंट हैव इनफ डफ फॉर द केक. सो वी पुट डाउन हियर इनफ. फिफ्थ वन सॉरी आई स्प्लीड सम जूस. हियर वी पुट डाउन सम. सिक्स्थ वन इज देयर एनी आइस इन द फ्रिज. सो आइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन सो वी पुट डाउन हियर क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी एडजेक्टिव एज अ एनी. सेवन्थ वन आई डिडंट गेट मच स्लीप इन द ट्रेन. सो स्लीप इज ऑल्सो अनकाउंटेबल वी पुट डाउन हियर मच. एंड लास्ट वन एट इज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. यू सी हियर स्टूडेंट्स आर काउंटेबल सो वी पुट डाउन हियर एम ए एन वाई मैनी. सो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ